जिस महाकवि कालिदास के नाम से यह क्षेत्र जाना जाता है, उनकी पहचान ही क्या थी? उनकी तो पहचान ही यह थी ना कि महामूर्ख है, इसलिए तो उसको चुना गया था विद्योत्तमा के साथ शादी करने के लिए। विद्योत्तमा विदर्भी राजा की जो कन्या थी उसके साथ, क्योंकि उसके 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 दरबार में, विदर्भी राजा के दरबार में कुछ बदमाश पंडित थे, वो चाहते थे कि ये विद्योत्तमा जो है बहुत ही निपुण, बहुत ही जबरदस्त अभ्यासु व्यक्तिमत्व, मतलब हर मतलब वेद पारंगत और हर एक विषय में उसका 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 जो ज्ञान था, और मतलब हर विषय की पंडिता समझी जाती थी विद्योत्तमा। इसको कहा, इसको अब उसको वर नहीं मिले, विद्योत्तमा को वर मिलना मुश्किल, क्योंकि इतनी इतनी जो ज्यादा बुद्धिमान है, इतना जिसको ज्यादा समझ है जिंदगी के बारे में, उससे कौन राजा ब्याह करेगा? ये तो सर पर हावी होकर बैठ जाएगी, ये दो सवाल पूछेगी तो अपने पास जवाब नहीं रहेगा, इससे कोई शादी नहीं करता। तो पंडितों ने शकल लड़ाई कि हमने हिमालय से बहुत महान पुरुष, बहुत जो मतलब ब्रह्मज्ञानी हैं, ऐसे व्यक्ति पकड़कर लाए हैं, तो आप वर संशोधन कर सकती हैं, आप उनसे मिल सकती हैं। तो विद्योत्तमा उनसे मिलने आई अपने कालिदास से, काली के दास, कालिदास मूर्ख थे एक नंबर के। तो पंडितों ने उनको पहले से समझा के रखा था कि देख भाई, तुम मुंह नहीं खोलना, तू कुछ भी जो बोलना है तेरे एक्शन से बोलना, हम बोल देंगे क्या है। विद्योत्तमा बहुत सारे सवाल पूछती, बड़े बड़े मुश्किल सवाल पूछती, वेदों के अर्थ पूछती, जिंदगी के कठिन समस्याओं पर बात करती, मृत्यु के बारे में चर्चा करती, रिश्तों के बारे में चर्चा करती, भावनाओं पर चर्चा करती, ये हाथ हिलाता, पंडित जवाब दे देते। महाकवि का कहना है और कुछ भी अपने मन का ठोक देते। विद्योत्तमा बड़ी इंप्रेस हो गई कि कितना ज्ञानी पुरुष है, इससे शादी कर ली। लेकिन यह सोंग शादी के पहले दिन ही टूट गया, इसको भगा दिया विद्योत्तमा ने घर से बाहर। महाकवि कालिदास को घर से बाहर भगा दिया, बड़ी बेइज्जती करके घर से बाहर भगा दिया विद्योत्तमा ने। और उसके बाद कालिदास आत्महत्या कर दे, ऐसी कहा, यह दंत कथा है कि आत्महत्या कर, इस अपमान से परेशान होकर आत्महत्या करने के लिए एक तालाब में कूदने वाले थे। तो जिस काली के वो दास थे, काली उन पर प्रसन्न हुई और काली ने उनको ज्ञान का वरदान दिया। तो वरदान लेकर के कालिदास, काली के दास वापस आए और विद्योत्तमा से मिले, और विद्योत्तमा उनका नया ज्ञान देख करके बड़ी इंप्रेस हुई और उनको अपना पति स्वीकार करने के लिए राजी किया। लेकिन कालिदास ने मना कर दिया, क्योंकि काली के लिए, काली के दास के लिए विद्योत्तमा तो उनकी गुरु थी, इस गुरु ने तो जीवन की राह दिखाई थी पहले झापड़ मारकर घर से बाहर भगा कर, और उन्होंने उस विवाह से इनकार कर दिया और उसको उस दिन से अपना गुरु बना लिया।